जो दंगाई है वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। बलिया में पाल की हत्या होती है, अपराधी को जीप से उतार दिया जाता है, क्योंकि अपराधी मुख्यमंत्री का बिरादर था, इस नाते उतार दिया गया। अगर वही कहीं भर होता, आहिर होता, चौहान होता, बिंद केवट मुल्ला मुसलमान होता है, तब तो जेल चला जाता। तो अपराधियों को संरक्षण जाति चिन्ह की दी जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो स्थिति है, मंचों से धमकी देना, पुलिस को भी धमकी देना, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? अभी भी आपने सुना मंच से पुलिस को सीधे धमकी? नहीं जी, धमकी नहीं जी, सुझाव दिया गया कि आपको इसी जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, आप नियुक्ति आपकी होती है तो आप 35 साल 40 साल के नियुक्त होते हो, नेता 5 साल के लिए होता है, तो नेता के सारे पर काम क्यों करते हो? आप स्वतंत्र हो, सत्ता तो आती है और जाती है। मैंने देखा सुना भी, कांग्रेस की सत्ता आई, जनता दल की आई, जनता पार्टी आई, सपा आया, बसपा आया, कांग्रेस, तमाम लोगों की सरकारें आती जाती, लेकिन आप राजनीति में जाति को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? 350 तहसील है उत्तर प्रदेश में जी, जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र ठप्पा मार के तहसीलदार देगा, तब तक देश में जातिवाद होगा। अनबे सर, एक सवाल, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अब की बारी मथुरा की बारी, क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएं हमने, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव आता है तो धर्म का चश्मा पहन लेते हैं। अगर मथुरा की बारी है तो शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते, जनजातिवार जनगणना पे बात क्यों नहीं करते? ये प्रदेश में जरूरत है, आज यूरिया नहीं मिल रही है, किसान जाड़े में लाइन में खड़ा है, यूरिया की बात नहीं हो सकती, दाई की बात नहीं हो सकती, ये खाली बात करेंगे तो हिंदू मुसलमान नफरत और धर्म की बात करेंगे, तो धर्म आपस में बैर नहीं सिखाता, कोई भी मजहब आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मेल सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। तो क्या सपा 2022 में विकास और रोजगार की बात करेगी क्या? आपने क्या सुना हमारी बात में? हम बिजली का बिल माफ करना चाहते हैं 24 करोड़ आबादी में लोगों का, हम जातिवार जनगणना कराना चाहते हैं 24 करोड़ लोगों का, हम 24 करोड़ आबादी में गरीबों का इलाज फ्री में कराना चाहते हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना चाहते हैं, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं, यही ना विकास है? और का विकास है, इसमें सारी चीज़ें निहित है। चलिए सर, एक सेकंड, एक सर पे चुनाव है, बस सर पे चुनाव है, धीरे से सर पे चुनाव, उसको लेकर क्या तैयारी है? अरे पूरी तैयारी, किस सीटों पे, कितने सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं? 403 403 पे लड़ेंगे, 403 सीट पे हमारा मोर्चा चुनाव लड़ेगा सर। जिस प्रकार मोदी जी हिंदू है, योगी जी हिंदू है, अमित शाह हिंदू है, अगर इस्लाम खतरे में होता तो अलग बात होती, क्या आपको लगता है कि इस देश में, भारत में इस्लाम खतरे में है, क्या लगता है? कोई खतरे में नहीं है। देखिए, देश में नेताओं की कुर्सी खतरे में है, खासतौर से प्रधानमंत्री और योगी जी की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है। ये जब चुनाव आता है तो ये धर्म का चश्मा खुद पहनते हैं और लोगों को पहनाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य कि जिस देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हिंदू हो और वही पार्टी बोले कि हिंदू खतरे में है, ये असंभव बात है। अगर इस्लाम कहता कि हम खतरे में हैं, क्योंकि उसका कोई ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं मुख्य पोस्ट पर है, वो कहता तो माना जा सकता था कि नहीं खतरे में है, खतरे, आपको खतरे में है क्या? नहीं, कहीं खतरे में नहीं, इस्लाम नहीं, कोई खतरे में नहीं है, नेताओं की कुर्सी खतरे में। बार बार ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों पर काफी अत्याचार हो रहे हैं और खतरे में है और इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस तरह कई बयान आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देखिए, यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और करते कहाँ हैं? दो दो दामाद भारतीय जनता पार्टी के, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, सारे लोग जानते हैं। प्रवीण तोगड़िया हिंदू के बड़े ठेकेदार अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं, हमको हिंदू बना करके कहते हैं कि नहीं मुसलमान को भगाना है, कैसे संभव है? एक तरफ आप रोटी बेटी का संबंध करते हो, हमसे कहते हो कि नहीं इनको भगाना है, कैसे संभव है? घर में रखोगे और भगाओगे कैसे? सर, वैसी की अगर हम बात करें, वैसी आपके साथ अपना सफर शुरू किए थे और वो खुद को अपने आप को वो राजनीति की लैला कहते हैं, आपने भी कहा था कि हम उनके दीवाने हैं, अभी दीवाना अलग हो गया, पूरे देश की जनता कांग्रेस के साथ थी, एक दौर था, लेकिन आज पूरे देश की जनता अलग अलग पार्टियों के साथ हो गई ना,
आज तो वैसे जी कई जगह पे होटल तक नहीं मिलता है और कई जगह कमरे बुक किए गए, वो होटल वाला उनको होटल तक देने के लिए कमरा तक देने को तैयार नहीं है, उनको देश में कहाँ से जगह मिलेगी क्या लगता है आपको? नहीं, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। होटल अगर खुला है तो उनको पैसा चाहिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का होटल होगा तो नहीं मिल सकता। कई होटल वालों में नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सारे पर होटल जो चल रहे होंगे उनके मालिक लोग भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो नहीं देंगे, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते होंगे। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अभी मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि उत्तर प्रदेश इसके 2017 के पहले दंगा प्रदेश था, लेकिन आज जो माहौल बना है इस माहौल में उद्योग लगाने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। क्या मानते हैं कि 2017 से पहले यह दंगा प्रदेश था? बलिया में खूब उद्योग लगा, अब बलिया के हैं ना, खूब लगा, गाजीपुर में लगा, मऊ में लगा, आजमगढ़ में लगा, बनारस में लगा, नहीं लगा।